हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले कि बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जामिनेशन फॉर्म कब आएगा, इसका एग्जाम कब होगा, सर सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितना मार्क्स हमें चाहिए ताकि हम लोग बिहार पॉलिटेक्निक के गवर्नमेंट कॉलेज में पहुँच सके, अगर पहुँचना है तो तैयारी कैसे की जाए, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग होता है या नहीं होता है, इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न, कितना मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है, किस सब्जेक्ट से पूछा जाता है, यानी कहने का मतलब प्रॉपर बिहार की जानकारी मैं बिहारी बच्चा देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोग भी इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करूं अगर आपके एग्जामिनेशन फॉर्म की, एग्जामिनेशन फॉर्म कब रिलीज करेगा, तो दोस्तों ये करेक्ट जानकारी है कि अप्रैल के वीक यानी कि सेकेंड वीक में आप सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म जारी कर दिया जाएगा। अब ये सर मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि आप सभी का मार्च में मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट आ जाएगा, है ना, जैसा कि एग्जामिनेशन कंप्लीट भी हो चुका है। तो बिहार बोर्ड का दावा है दोस्तों कि यह क्या कर देगा, एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज कर देगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि इसका एग्जाम कब होगा, तो इसका एग्जाम दोस्तों फॉर्म भरने के लिए एक मंथ का समय दिया जाता है। कितना मंथ का? एक मंथ का। तो कहा जाए तो जून में आप सभी का इसका एग्जाम होगा। इसका एग्जाम कब होगा सर? जून के महीने में आप सभी का इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आपके पास बहुत ही कम समय है तैयारी करने की। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसके सिलेबस की, तो आपके एग्जाम में दोस्तों 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 30 30 ऐसे रहेंगे। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 90 क्वेश्चन हो गए, और एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो टोटल जो मार्क्स हो गए ना दोस्तों, वो 450 हो गए, यानी कि 450 आपके एग्जाम में मार्क्स का एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सर, ये 30 में PCM रहेगा, क्योंकि आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो ना सर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाएगा, और हर एक सेक्शन से आपको 30-30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो टोटल तो 450 मार्क्स का हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हमको कितना मार्क्स इसमें से लाया जाए कि हमें सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो एवरेज बच्चा का अगर मैं उठा करके लेकर चलता हूं दोस्तों, तो अगर मान लिया जाए आप फिजिक्स में 10 क्वेश्चन गलत करते हो या 20 क्वेश्चन तो सही करोगे, चले केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बना, 20 क्वेश्चन सही करेंगे, इसमें भी 20 क्वेश्चन सही करेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 60 क्वेश्चन हो गया। अगर 5 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 × 5 = 30, यानी कि सर आप 300 नंबर ला दिए, समझ रहे हैं, 300 नंबर लाते हैं तो आपकी गारंटेड है कि आपको पटना का कोई भी, यानी कहते हैं ना गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज, टॉप का गवर्नमेंट कॉलेज, या इतना में आराम से मिल जाएगा। अगर बात करें सर हम लोग इतना नहीं कर सकते हैं तो कितना पे, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप 190 भी लाते हो ना, स्कोर 190 करते हो ना, तो आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये मिनिमम स्कोर बता रहा हूँ, ये मिनिमम स्कोर है, ये भी मिनिमम है, आप लोग तो इससे भी ज़्यादा कर सकते हो सर। तो ये चीज़ मिनिमम क्या कहते हैं, एकदम मिनिमम रिक्वायरमेंट दिया कि हर एक बच्चा इतना कर सकता है। अब इसको करने के लिए सर आपको प्रॉपर तैयारी की ज़रूरत है। तो ये तैयारी किस ढंग से की जाए कि हम लोग इस तरीके से इतना मार्क्स अचीव कर सकते हैं। आपको मैं गवर्नमेंट टॉप कॉलेज की बात करूँ, तो पटना का 2-3 कॉलेज है, 2 कॉलेज है पटना का जो कि टॉप कॉलेज है, गर्ल्स में भी एक कॉलेज है जो कि प्रॉपर केवल गर्ल्स के लिए, तो वो भी टॉप कॉलेज में नाम लिए जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में मार्क्स आपको अच्छा लाना पड़ेगा तभी जाकर के एडमिशन होगा, है ना। आप सभी को पता है कि पटना के कॉलेज से गूगल ने उठाया है ना, बहुत तरह तरह की आपको न्यूज़ देखने को मिलती होंगी, तो वहाँ पे प्रॉपर ढंग से पढ़ाया जाता है दोस्तों, इसीलिए वह पटना फेमस है। ठीक है, तो उसमें एडमिशन के लिए आपको थोड़ा सा रणनीति की ज़रूरत पड़ेगी अच्छे से, और हमारे इस चैनल पर दोस्तों आपको इसी चैनल पर 9 बजे डेली लाइव क्लास लिया जाता है सर, 9 PM में, रात में 9 बजे लाइव क्लास लिया जाता है। और हमने दोस्तों आपके डिमांड के ऊपर, आप लोग बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करेंगे सर टेलीग्राम चैनल अलग कर दीजिए पॉलिटेक्निक वाले का, तो आप लोग सर्च करिएगा पॉलिटेक्निक, ठीक है, पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग, ठीक है, बाय टोटल लर्निंग, मैंने अलग कर दिया दोस्तों हमारे। अगर आप लोग ये मेन, ये हमारा जो है ना, ये टेलीग्राम मेन चैनल है, ठीक है, इसमें हर तरह के बच्चे जुड़े हैं, पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल, ITI, लेकिन अब पॉलिटेक्निक का स्पेशल है, तो आप इस वाले से जुड़ जाइएगा। आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में स्टडी मटेरियल वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, हमारे द्वारा गाइडेंस किया जाता है टेलीग्राम पे, ठीक है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी। सिलेबस का भी वीडियो मैंने डाल दिया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक लगा दूंगा, नहीं तो लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ रहा दोस्तों आपके सामने स्ट्रेटजी।
तो अभी आपके पास बहुत ही कम समय है, यदि आप लोग अभी से तैयारी करते हैं तो सर आपका यहाँ पे जाना दूर नहीं है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि फॉर्म आएगा, एंट्रेंस एग्जाम का डेट आएगा तब होगा, तो आपसे पहले भी बच्चे इसका सपना देख चुके हैं। हर एक माइंड में होता है कि हम इंजीनियर बनेंगे, तो इंजीनियर बनने के लिए सर अभी से मेहनत कर दो, तभी जा करके इंजीनियर कहलाओगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों मेरी बातों को आप लोग समझ रहे होंगे और अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। फॉर्म का तो आना ही आना है सर, ये तो अप्रैल में आ ही जाएगा। अभी से तैयारी करोगे तो आपका रूपरेखा बदलेगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ। अगर आपको किसी तरह का दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।